अच्छा जनाब हमारी खबरें जो हैं वो आज भी बड़ी गर्मा गर्म, गर्म है बड़े गौर से आपने सुनना है और आपको आ, हमेशा जो है वो इनशाला जैसे रोज आपको बड़े मजे आते हैं आज भी आएंगे थैंक यू वेरी मच उन तमाम लोगों के मैसेजेस जो मुझे रोज आते हैं प्लीज आई एम वेरी सॉरी माजद भाई सही कह रहे हैं बड़ी वी बन गई हूँ मुझे नाम भूल जाते हैं सारों के बट थैंक यू वेरी मच आप जब मैसेजेस मुझे भेजते हैं वी रियली गेट अ लॉट ऑफ एनकरेजमेंट इंक्लूडिंग माई फैमिली इन इस्लामाबाद दे लव यू माजद नो वाई बट दे लव यू आई डोंट नो सारा काम हार्ड वर्क जो है मेरा

लाई थी उस अमेंडमेंट को आज इन्होंने वापस ले लिया है लिबरल गवर्नमेंट ने आपको पता ही है कि टूडो साहब ने कहा था कि बिल सी ट्वेंटी जो है उसमें लास्ट मे में, में उन्होंने कुछ लिमिटेड गन एक्सेस की बात की थी जिसको के यानी कि लिमिट किया जाए जो लोग डेंजरस लोग जो की, की जो कैटेगरी में आते हैं तो इसमें कहा गया था कि ये जो आप अमेंडमेंट लेकर आए हैं इससे पता नहीं चलेगा कि ये जो बैन है ये हैंड गन्स के अलावा किसी और के ऊपर भी है कि नहीं है तो इन मेजर्स को एक्सपैंड करने की ज़रूरत है तो ये इफेक्ट कर सकती है आपकी जो डिस्क्रिप्शन है इसकी <coughs> जो आप प्रोहिबिशन कर रहे हैं फायर आर्म्स की उसके ऊपर क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इसके अंदर और गलत किस्म की चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं तो आज इन्होंने अपना ये जो कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट लेकर आए थे उसको ये इन्होंने वापस ले लिया है क्योंकि उसमें उन्होंने कहा था कि इसके अंदर हंटिंग राइफल्स आएंगी अब हंटिंग राइफल जो है वो अब वैसे तो अनस्टेबल बंदे के हाथ में आ जाए तो वो गलत ही है लेकिन बहुत सारे लोग जो हंटर्स थे उनको तो मतलब मिली जुली इसमें चीज़ें जो अमेंडमेंट में आई थी उसमें बहुत सारे लोगों को काफ़ी परेशानी थी और ना सिर्फ ये कि अपोजीशन के एम बल्कि इनके अपने खुद के जो एम थे लिबरल उन्होंने भी कहा था कि ये डेफिनीशन ऑफ वेपन्स बींग बैंड जो है उसको आपने एक्सप्लेन नहीं किया तो उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो इसलिए वो अमेंडमेंट अब वापस ली है डिप्यू प्राइम मिनिस्टर और हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं क्रिस्टिया फ्रीलैंड वो अब मीटिंग्स कर रही हैं इन परसन मीटिंग्स प्रोविंशियल और टेरिटोरियल फॉरेन मिनिस्टर के साथ आज मेरी बड़ी बड़ी हैरत हुई जब मैं ये देख रही थी इनकी मीटिंग्स आज इन्होंने भी बिलू कलर के कपड़े पहने हुए हैं भाई आप देखें व्हाट इज़ दिस यानी कि ये आप कहीं कंजर्वेटिव की तरफ तो नहीं जा रही हैं व्हाट इज़ दिस आपने ब्लू पहना है जब आप मीटिंग कर रहे हैं सारे टेरिटोरियल प्रोविंशियल फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ एनी जी ये कर रहे थे ये कह रहे हैं जी कि हम क्रिस्टिया फ्रीलैंड कह रही हैं कि हम जो करंट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है उसके ऊपर हम बात करेंगे और जो कैनेडा का ट्रांजिशन है क्लीन टेक्नोलॉजी की तरफ उसके ऊपर बात है आपको पता ही है कि यू ने अभी अपने, अपने अंडर इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट जो है ई यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंसेंटिव जो हैं वो भी दे दिए हैं जिसकी की वजह से वैसे तो फायदा होगा जो मैन्युफैक्चरर्स हैं कार मैन्युफैक्चरर्स कनाडा मैक्सिको यूएसए में लेकिन इसके अंदर जो है बहुत सारी चेंजेस आएंगी तो इन चेंजेस को क्या कनाडा संभाल सकता है इसके ऊपर डिस्कशन होएगी क्योंकि आपको पता ही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की भी मुलाकातें इन सारे प्रीमियर्स के साथ फेबर सेवन को होने वाली है तो उससे पहले क्रिस्टिया फ्रीलैंड जो है ये सारा ये इसेंशियल पेपर वर्क आप कि ये कर सकती हैं इसके अलावा ये जो बैंक ऑफ कैनेडा ने बार बार जो रेट्स बढ़ाए हैं तो उस सिलसिले में गवर्नर मैकलम के साथ भी इनकी जो है मुलाकातें होंगी और वो कहते हैं जी कि जो हमारे फिजिकल कंस्ट्रेंट्स हैं उसकी वजह से हमारे सर्विसेज के ऊपर कोई इफेक्ट ना आए इसलिए ये मीटिंग की जा रही है आपको पता ही है कि मुल्क जो है जरा इन्फ्लेशन की तरफ जो है काफ़ी चला गया है और इन्फ्लेशन जो है सिक्स थी दिसंबर के अंदर और मॉडगेज रेट्स भी हायर हैं तो जाहिर है कि इसके असर जो है वो इकानी पर पड़ेगा और वो पड़ ही रहा है क्योंकि इकॉनॉमी काफ़ी हौले हौले चल रही है तो उस सारे सिलसिले की आज इनकी बातें थी ये बड़ी आज एक नई इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई आपको पता ही है कि थोड़े दिन पहले कुछ लिबरल पार्टी के एम ने कहा था कि माइक श्नाइडर जो कि ग्रीन पार्टी के ऑन्टेरियो में लीडर हैं उनको कहा था कि भई आप आ जाओ हमारे पास लिबरल पार्टी में आ जाओ तो इसके लिए आज ग्रुप ऑफ ऑनटेरियो ग्रीन्स जो है उन्होंने एक काउंटर ऑफर दी है लिबरल्स को उन्होंने इन उन्होंने जो फोर्टी मेंबर्स थे ऑनटेरियो लिबरल्स के जिन्होंने कहा था कि जी हमको बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्ड अप्रोच चाहिए हमको अपना वोट बैंक चेंज करने की ज़रूरत है अपने आप को रीडिस्कवर करने की ज़रूरत है अपनी पोलिटिकल पार्टी को और आ, कुछ और लोगों को शामिल करने की ज़रूरत है तो उसके लिए हमको एक लीडर चाहिए माइक नाइडर जैसा तो ग्रीन पार्टी ने कहा है कि आप बिल्कुल ठीक कह है रहे हैं हम आपके साथ अग्री करते हैं ऑनटेरियो को अगर आगे लेके जा सकता है कोई तो वो ग्रीन पार्टी का यही लीडर लेके जा सकता है हमारी आपको जो ऑफर है वो बड़ी ईजी है इंस्टेड ऑफ के आप लिबरल्स के साथ रहे यू जॉइन अस पीडीएम बना ना लेम बना ले, <laughs> बना ले। हाँ, जी, हाँ जी हाँ जी ओ पाकिस्तान को लो कोई सीखो भाई बोले हो, <laughs> पोले हो कुछ सीखो पाकिस्तान को लो <laughs> खैर जी <coughs> तो सेवेंटी फाइव ग्रीन पार्टी के मेंबर जो हैं <coughs> उन्होंने ये ऑफर ये फर्टी जो लिबरल पार्टी के मेंबर्स हैं उनको दी है टोरटो रियल एस्टेट बोर्ड जो है उसने आज कहा है जी कि जनवरी के, के महीने में भी जो सेल्स थी वो फोर्टी नीचे रही हैं कंपेयर टू जनवरी 2022 और इसके अलावा जो सेल्स थी वो टोटल हुई हैं 3,100 के करीब जो कि डाउन है फ्रॉम 5,594 अ ईयर अर्लियर इसके अलावा एवरेज सेलिंग प्राइस भी नीचे आ गई है सिक्सटीन और अब जो एवरेज होम है वो 1.04 मिलियन डॉलर्स को टच कर रहा है इसकी वजह जाहिर है कि मॉडगेज हाई मॉडगेज रेट्स हैं उन्होंने कहा जी कि न्यू लिस्टिंग्स जो हैं वो भी डाउन है 3.7 परसेंट ईयर ऑन ईयर एट 7688 लेकिन दिसंबर के महीने से ये ऊपर थी फोर एक्टिव लिस्टिंग्स जो थी वो ऊपर गई हैं 124.6 फ्रॉम लास्ट ईयर और uh, <coughs> इसमें वो कह रहे हैं लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि घर ख़रीदने की अफोर्डेबिलिटी जो है 2023 में लोगों की बढ़ गई है आ, घर तो नीचे आ गए हैं लेकिन मोट रेट ऊपर चले गए हैं तो व्हाट इज़ दिस है जी तो ये तो जो है वो बड़ी खतरे में नाक बात है ना लोगों हाँ, 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 तो हाँ, हाँ, तो ये बैलेंस खराब नहीं होने दिया ठीक है जी ये अच्छा जनाब आपको पता है कि बड़े अफसोस की बात है पाकिस्तान कह रही हूँ कैनेडा के अंदर जो है बड़ी एक पुरानी कंपनी थी ट्वेंटी फोर ईयर ओल्ड मेडिकागो अगर आपको पता उसके बारे में हम आपको वेरी शॉकिंग न्यूज मेडिकागो उन कंपनीज में से थी

जो है वो भी हेल्थ कैनेडा के अंडर कंसीडरेशन नहीं और उन्होंने कहा था कि हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे तो काफी इसके अंदर स्ट्रेंथ थी वो कह रहे हैं जी कि हम अपना ये जो प्लांट है क्यूबेक में वो शट डाउन कर रहे हैं और जाहिर है कि वो कहते हैं कि हम पूरे जो अकॉर्डिंग टू लॉ सौ एम्प्लॉइज जी हां जी अफेक्ट होंगे इससे अफेक्ट होंगे और लेकिन वो कह रहे हैं जी कि हम ये सारा कुछ अकॉर्डिंग टू लॉ करेंगे यानी कि अकॉर्डिंग टू लॉ का मतलब है कि ये जो 600 बंदे जिसका जिक्र मजबूरी ने किया है शायद उनको सैलरीज बोनस सबको दे के जो है ऐसे फ़र्क करेंगे ऐसे ही नहीं बस शट डाउन करके चले जाएंगे आ, फेडरल डिपार्टमेंट जो है जी ये एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल डिवेलपमेंट कैनेडा इसने आपको पता ही है इसको दिया गया था जब बड़ा मुश्किल वक्त पेंडेमिक का आ गया था कि भाई आपने सर्व जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है यानी कि कैनेडा का जो ये था इमरजेंसी रिस्पॉन्स बेनिफिट जो था सर्व जिसको हम कहते थे वो करना था तो इसमें उन्होंने फाइंड आउट किया है कि जी कुछ इनके जो एम्प्लॉयज थे उन्होंने ही अपने आप को यानी कि अन्ना वनडे रेवड़िया मुड़मुड़ अपने है, जी? तो आपस में बहुत सारे पैसे जो है असिस्टेंट डेप्यूटी मिनिस्टर हैं मैरी उन्होंने आज हाउस ऑफ कॉमन्स कमेटी को बताया है कि बहुत सारे सीनियर ऑफिशियल्स जो है ईएसडीसी और सीआरए के उन्होंने जो टेस्टिफाई किया था पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने तो उसके बाद

जो हैं हैं किधर गए तो ये <coughs> ये आज बड़ी जो जो है 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 एक आई आई की की जनाब और इस के मुताबिक वो वैसे तो हर वक्त कहता रहता है हमको चाइना के साथ अच्छे रिलेशंस करने हैं के साथ अच्छे करने हैं और अभी वो कह रहे थे कि हम बाइडन साहब जो हैं वो शी साहब से मिल भी सकते हैं आने वाले दिनों में लेकिन <coughs> ये टाइज जो ऊपर बड़ी जो है आज ले दे हुई है क्योंकि कहा जा रहा था कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन साहब हैं वो नेक्स्ट वीक में चाइना में जा सकते हैं और ये पहले हाई लेवल यूएस ऑफिशियल होते जो कि चाइना में जाते और ये बात करते और वहाँ पे इन्होंने ये जो सारी आजकल जो अमेरिका ने इनके ऊपर जो सख्तियाँ लगाई हैं चाइना पे जापान और नेदरलैंड्स को भी कह रहा है और बाकी भी अपने एलाइज़ को कह रहा है कि इनको स, जो सेंसिटिव सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी ना ट्रांसफ़र करें ना इनको दें और उसकी वजह से इनका जो सारा जो चिप मेकिंग इक्विपमेंट है उसके ऊपर वो ना दें उनके ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा है और वो कहते हैं जी अमेरिका ने ये भी कहा है कि जी ये वेस्टर्न जो सेंक्शन हैं उसको वायलेट करते हुए ईरान से ऑयल ले रहा है रशिया से जो है इकोनॉमिक टाइज इसने बनाए हुए हैं तो इन सब चीज़ों को ठंडा करने के लिए आ, दो महीने पहले बैली में बाइडन साहब और शी साहब मिले थे और अब ये जो थे एंथनी ब्लकन साहब मिलना चाहते थे लेकिन आज जो है स्टेट डिपार्टमेंट ने अनाउंसमेंट की है कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन साहब हैं वो अब चाइना का दौरा नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने कहा जी कि कंडीशन इज़ नॉट राइट फॉर द विजिट जो कि अब स्टार्ट होने वाला था इस संडे से तो एंथनी ब्लिंकन साहब का ये जो दौरा था चाइना का इसको अब पोस्टपोन किया गया है अच्छा अब ये जो दौरा पोस्टपोन किया है इसका बैकग्राउंड क्या है बैकग्राउंड ये है कि पेंटागॉन ने आज सुबह का

कि ये जो है इसके ऊपर न्यूक्लियर मिसल था इस गुब्बारे के ऊपर इस बलून पे चाइना कहता है कि नहीं जी ये तो बिल्कुल ऐसी इसमें कोई बात ही नहीं है ये तो हम बड़ा रिग्रेट करते हैं कि ये अमेरिकन स्पेस में चली गई है लेकिन हवा का रुख इसको लेकर चला गया था हम तो जो हैं इसको चाहते नहीं थे कि ये जाएँ और इसके ऊपर कोई न्यूक्लियर जो थे वो नहीं थे ये एक सिविलियन एयरशिप था

और कनाडा भी और बस इतना ही किया उन्होंने कि बुला पूछा गया हम ही पैन की हो रहा है मुल्क में इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ हालांकि सोचा जा रहा था कि शायद अमेरिका को सख्त ले सकता है लेकिन जाहिर है अब चाइना भी जो है वो रिफ्यूज टू शॉट रिफ्यूजन पेटागॉन ने कहा कि हमने, हमने हमने डिसाइड किया हम शूट नहीं करेंगे और चाइना के साथ वैसे भी आप इस तरह का मजाक कर भी नहीं सकते सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी हो सकता है उसमें न्यूक्लियर कुछ हां और वो कह रहे थे हां पैटागॉन ने कहा कि उसका डिबरी गिरता तो वो नुकसान हो सकता था हो सकता था तो इसलिए हमने तो जनाब ये हालात जो हैं और ज्यादा फिर अब दोनों के बीच में खराब हो गए हैं न्यूयॉर्क uh, टाइम्स की आज एक और रिपोर्ट बड़ी शॉकिंग रिपोर्ट है न्यूयॉर्क टाइम्स की आज एक पाकिस्तानी थे माजिद शौकत खान oh, माजिद भाई वट इज दिस ये क्या हो रहा है मजीद ने क्या कर दिया हाँ, ये देखें मजीद ने क्या किया है 20 साल से गुआंतानामो बे में थे ये बेचारे जो है हाँ, टेररिज्म हा, के चार्जेस के ऊपर तो आज इनको छोड़ा गया है और इनको जो है बलीज जो है उसमें भेजा गया है और 42 इयर्स इस वक्त इनकी एज है और इनके बारे में कहा था कि जी क्योंकि इन्होंने गिल्टी प्लीट किया था फिर उसके बाद इन्होंने जो था हालांकि अच्छा भला मैरीलैंड के अंदर ये अमेरिका में पढ़ते थे लेकिन फिर अपनी फैमिली को छोड़ छाड़ के ये पाकिस्तान 2003 में चले गए और वहाँ पे इन्होंने जी अलकायदा को ज्वाइन कर लिया था आफ्टर 9 इलेवन और फ्रॉम 2003 से 2006 इनको जो है सी आई ए फिर उठाकर ले आई थी और इनको एक सीक्रेट प्रिजन में अपने पास रखा था जिसमें कि इनको आज कैसे निकाला गया बीस साल के बाद छुट्टी कैसे मिली कि जब लॉयर्स को इनको जब प्रोवाइड किए गए तो उन, उनको इन्होंने बताया कि मुझे डंजन लाइक -like कंडीशन में रखा था माजिद साहब ने बताया और मुझे बीटिंग्स करते थे मुझे न्यूट कर देते थे ब्रूटल मुझे जो है वो फीडिंग करते थे वाटर बोर्डिंग करते थे और फिजिकल सेक्शुअल अब्यूज मुझे करते थे टू में जब इन्होंने टेस्टिफाई किया था तो इन्होंने मान लिया था कि हाँ बिल्कुल परवेज मुशरफ साहब को जो टीम उड़ाना चाहती थी उसमें ये शामिल जो थे वो हाल थे और आ, हो सकता था जो लेकिन वो जाहिर है कि वो म, म, आ, हुई नहीं वो आगे गई नहीं डिडेंट अहेड और आ, फिर इसके अलावा इन्होंने फिफ्टी थाउजेंड डॉलर्स डिवेलप डिलीवर किए थे उन लोगों को जिन्होंने इंडोनेशिया के अंदर जाके फिर बॉम्बिंगस की थी जब लॉयर्स उनके पास आए तो उन्होंने कहा जी कि ये सी का जो एक जो टू की सेनेट रिपोर्ट आई थी इनके सी के प्रोग्राम पर ये लोगों के साथ कितना जुल्म करते हैं और उनके साथ बैड इफेक्ट करते हैं यहाँ तक कि वो जो पेस्टा की प्योरी सॉस नट्स रेजन और हुमस है इनके रेक्टम में घुसाया गया था इस तरह की मतलब वो हरकतें करते थे तो उसके ऊपर लॉयर्स ने कहा कि ये तो रेप में कंसिडर होगा जो इनके साथ किया जाता रहा है तो ये जो सी आई ए की इतनी जो ब्रूटल पॉलिसी है उसमें काफी इस बंदे ने सफर किया इसको छोड़े तो कोई मुल्क इसको लेने को तैयार नहीं था तो बलीज ने कहा जी कि आप हमारे पास इसको भेज दें तो आज उसके लिए इनको बहरहल जी छोड़ा गया तो अब जो ओबामा साहब ने आके बड़ी तकरीरें की थी कि ग्वान्टाना मोबे का मेरा बड़ा जो है वो है कि मैं आते सारी बंद करूंगा और ये करूंगा और वो वो अभी तक इसका मतलब है चलता ही जा चलता रहा, है। रहा है वो बंद नहीं हुआ है पूरी तरह से अल जजीरा की एक रिपोर्ट है जी और इसके मुताबिक आपको पता ही है कि ट्रंप साहब ने एक पॉलिसी शुरू की थी जिसमें कि बच्चे जो थे बेचारे उनको अपने पेरेंट्स से दूर कर दिया था जिसमें कि जो जब इन्होंने कहा था कि हम यू एस मैक्सिको बॉर्डर पर मैं वॉल बनाऊँगा और ये इीगली मैक्सिकन जो हैं यहाँ पर आ रहे हैं उसमें जो है बहुत सारे बच्चों को जो टू थाउजेंड सेवेंटीन से ट्वेंटी ट्वेंटी वन में कोई तकरीबन थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड एंड एट्टी वन बच्चे जो थे वो लिए थे तो वो सारे जो थे वापस नहीं आए थे भारत बाइडन साहब की जब एडमिनिस्ट्रेशन आई तो उन्होंने कहा कि ये इंतहाई ब्रूटल पॉलिसी है बच्चों को मां बाप से कैसे हटाया जा सकता है यानी कि जैसे हमारे रेजिडेंशियल स्कूल वालों ने किया बिल्कुल वही पॉलिसी है तो इनको मिलाएं उसके बारे में आज होमलैंड सिक्योरिटी ने बात करते हुए कहा है कि इनमें से नाइन जो बच्चे हैं वो तो अभी तक सेपरेटेड हैं पेरेंट्स से अलबत् जो है इसके अंदर 148 जो है उसमें यूनिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया है और अनदर 183 फैमिलीज़ जो हैं उनको अब हमने इन्फॉर्म कर दिया थ्रू डिफरेंट अमेरिकन एन कि आपको आपके बच्चे मिल सकेंगे और बाकी के ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं तो ये जो ट्रम्प साहब की पॉलिसी थी टू क्रैक डाउन अनऑथोराइज क्रॉसिंग्स इसमें बच्चे वो कहते थे अमेरिकन है तो ले लो और उनके पेरेंट्स जो हैं उनको जो है वापस मेक्सीिको भेजो तो ये बड़ी क्रूअल पॉलिसी थी और आप इनको तो इसमें लॉयर्स ने आज जो बात की एन ने की उन्होंने कहा कि बच्चे अब पूछते हैं कि भाई हमें हमारे माँ बाप से क्यों दूर ले गए थे हमने हमारा क्या कसूर था और दो तो, तो तीन तीन साल के बाद यानी कि बच्चा अगर दस साल का था तो अब तेरह का है तेरह का था तो अब सोलह का है तो इस तरह से अब बच्चों को उनके पेरेंट्स के साथ फिर से जो है यूनिफाई कर रहे हैं बहरहाल बड़ी ये जो थी दुख वाली स्टोरी थी ठीक है जी और जनाब कुछ अच्छी खबर आपको बता दें फैशन की दुनिया से अब आप इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं वो तो आपकी मर्जी है बहुत सारे लोग मैंने देखा है इसको प्रोनाउंस करते हैं पाको रुबैन ये पाको रुबैन नहीं है पाको हबान है <laughs> ये जो फैशन ब्रांड है पाक पाको हवान आपको पता ही है कि अपने परफ्यूम्स के लिए बड़े मशहूर हैं ये तो पाको हवान जो है हबान हबैान जे एट्टी एट ईयर्स के आज थे इनकी आज डेथ हुई है बड़े ज़बरदस्त ये फैशन शोज़ करते थे पेरिस के अंदर तो आज जो ल, ल टेलीग्राम जो न्यूज़पेपर है उसने बताया है कि ये रहते थे फिनिस्ट्रे के एरिया में तो वहाँ पे इनकी डेथ हुई है और अभी अपना ये रेडी टू वेयर जो डिज़ाइंस हैं अभी जो पेरिस फैशन वीक आने वाला था फेबररी 27 से मार्च थर्ड में उसमें ये पेश करने वाले थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी जो है वो डेथ हो गई है तो लोग अब जो ये पाक वह उनको यूज़ करते हैं उनके परफ्यूम्स को वो आज इनको बड़ा फॉन्डली याद कर रहे हैं इंडिया में जी राहुल गांधी साहब हमने आपको बताया ये फॉर द पीरियड वो भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकले हुए थे और वो उसमें कड़ी उनकी थी जम्मू और कश्मीर के अंदर जाना तो वहां पे जब ये गए तो इन्होंने अब मोदी जी को एक लेटर लिखा है और मोदी जी को लेटर में इन्होंने कहा है राहुल गांधी जी ने कि आप जो कश्मीरी पंडितों को जम्मू और कश्मीर में वापस भेज रहे हैं ये ठीक नहीं है क्योंकि आपने प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स नहीं किए हैं और अगर आपने इनको फोर्स किया जाने के लिए तो हो सकता है कि इनको वहाँ के जो मिलिटेंट्स हैं वो मार दें वो कहते हैं जब मैं जम्मू और कश्मीर की यात्रा पे था तो मैंने वहाँ पे कश्मीरी पंडित जो हैं उनसे मैंने बात की थी और उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनसे बात की है वो कहते हैं जी कि बीजेपी की गवर्नमेंट हमको फोर्स कर रही है कि हम वापस कश्मीर में जाएँ वापस कश्मीर में जाएँ लेकिन हमारे पास कोई सिक्योरिटी गारंटीज़ नहीं है ना सिर्फ हमें बल्कि बाकी आम लोगों को भी टेररिस्टों से वहाँ पर बड़ा खतरा है तो हम जो है अपनी जान हथेली पे लेके कैसे जा सकते हैं तो इसके ऊपर बात करते हैं गांधी ने राहुल गांधी साहब ने कहा कि ये बड़ी क्रूअल पॉलिसी है और आप पहले वहाँ पे सिचुएशन इम्प्रूव करें और फिर उसके बाद जो है इन लोगों को वहाँ पे भेजें हिंदुस्तान के अंदर आज तकरीबन 500 साइंटिस्ट और एकेडेमिशिया जो है उन्होंने मोदी जी को कहा है कि ये जो आप बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जिसके के ऊपर आप रोक लगाते जा रहे हैं ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अगेंस्ट है और इसके ऊपर आप रोक ना लगाएं ये जो बीबीसी की टू पार्ट एपिसोड बीबीसी बी डॉक्यूमेंट्री है जिसका के नाम है इंडिया द मोदी क्वेश्चन इसका पहला हिस्सा सेवेंटीन्थ जनवरी को रिलीज़ किया था और अब दूसरा जो था फिर उसके बाद जनवरी ट्वेंटी फोर्थ को किया था जो कि गुजरात में जो राइट्स हुए थे टू थाउजेंड टू में उसके ऊपर थे और मोदी जी का उसमें जो अलग रोल था उस पर थी जिसकी वजह से सेंट्रल की गवर्नमेंट ने कहा था कि ये अब डॉक्यूमेंट्री बीबीसी की हिंदुस्तान में नहीं दिखाई जाएगी ये जो साइंटिस्ट और एक हैं इन्होंने कहा है कि ये जब आप रिमूव करते हैं सोशल मीडिया पोर्टल से या अपने मुल्क में इसको बैन करते हैं तो ये एक अटैम्प्ट होती है जो कि फंडामेंटल लोगों के जो राइट्स होते हैं

तो ये आ, आ, ये जो अब आपने वीडियो देखी है ये जो आप जो लोग हमारे भारत टीवी देख रहे हैं उनको ये जरूर नजर आई होगी तो ये अब एक प्लेस ऑफ वर्शिप है रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट ये किसका प्लेस ऑफ वर्शिप है ये एक मस्जिद है सुनी की है शिया की है किसी और फेथ की है ये एक मस्जिद है जिसको के कुछ पागल लोग जिन्होंने कि आप देख रहे हैं कुछ अपने मुंह छुपाए हुए हैं कोई टोपियां पहनी हुई हैं ये सदर के अंदर कराची में है और इसको इसको तोड़ा गया है और इसकी रिस्पांसिबिलिटी जो है तहरीक लब्बै के पाकिस्तान ने ली है इससे पहले भी एक दिन पहले जमशेद रोड कराची के ऊपर भी इसी तरह की एक सिमिलर मस्जिद जो है उसको किया गया था अब ये आप खुद सोचें कि हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं और पाकिस्तान को एक इस्लामिक कंट्री कहते हैं कौन से इस्लामिक कंट्री में अदर देन पाकिस्तान आपको नजर आ रहा है कि कभी किसी का गुरुद्वारा या के किसी की मस्जिद या के किसी की जो चर्च है उसको जो है या किसी का जो टेंपल है उसको गिराया जाता है मजत भाई जो है इस्लाम के बारे में बहुत जानते हैं मजत भाई आपको तो मेरे से ज्यादा पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ने तो यहां तक जिनको हम नहीं पसंद करते मुसलमान नॉट मी बट मुसलमान के जीज ये ज्यूज हैं उन तक के साथ एक मुहिदा किया था राइट एक कॉविनेंट किया था जिसको ऑफ hmm. उदैबिया कहते हैं जिसमें के कहा था कि उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी रसुल्ला के जमाने में जो थे काफिर थे या कि जो दूसरे फेथ के लोग थे कोई एग्जाम्पल है रसूलुल्लाह के जमाने में के उन्होंने कि उन्होंने कहा कि ज्यूज का जो है वो ढा दो या काफरों की जो पूजा घर है उसको ढा दो कोई आपने कोई एग्जाम्पल इस्लाम में देखी है कुरान के अंदर कहीं पे लिखा हुआ है कि दूसरे की इबादतगाह आपने खराब करनी है रसुल्लासम का बयान है कहीं पे हमें मज़हब हमें यह कहता है हमारे कोई जो खलीफा थे अबू हर वगैरह उनकी तरह से ऐसे ही मुस्लिम है उसमें कहीं पे आप देखते हैं कोई हदीस आई हो के कहा गया हो कि किसी का जो है वो वर्शिप का घर गिराया जाए तो हम भी मुसलमान हैं मैं और माजिद भाई और हमारे जैसे और भी बहुत मुसलमान हैं और हमारी भी जो ट्रेनिंग है मुसलमान घरानों में हुई है हमने वो वाला इस्लाम नहीं पढ़ा जो इन लोगों ने पढ़ा हुआ है जिसमें कि कहा जाता है कि किसी का मंदिर या किसी की जो है गुरुद्वारा या किसी की मस्जिद और तो उसमें मस्जिद मस्जिद को आप शहीद कर रहे हैं और फिर आप मुसलमान कहते हैं पिशावर के अंदर लोग नमाज पढ़ रहे थे मस्जिद में उनके ऊपर आपने अटैक करके उन गरीब नमाजियों को आपने मारा है आप अपने आप को मुसलमान समझते हैं इसके ऊपर जो है वही शेर याद आता है इलामा इकबाल का ये वो मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माएं यहूद तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आप मुसलमानों को जो मॉडरेट हमारी तरह के मुसलमान हैं हम मॉडरेट भी नहीं हैं हम वो हैं जो रसूल इल्ला और अपने कुरान और अपनी सुन्नत की रोशनी में उनके अहकाम पर अमल करते हैं और हमें नहीं ये हुक्म दिया गया कि हम किसी को भी जो है वो हर्ट करें हमें मुसलमानों को लाइसेंस टू किल हमारा ना मज़हब देता है ना रसूल देते हैं कोई भी नहीं देता तो ये आप खुद आइडेंटिफाई करें कि आपकी सोसाइटी में ये कौन लोग हैं जो कि डिस हामनी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं ये बिल्कुल वैसे ही है कि हमें क्रिश्चियन कंट्री में बैठे हुए हैं मस्जिद भाई और हमारी कोई मस्जिद को जो है कोई क्रिश्चन आके ढा दे आप खुद सोचें कि हमें कितना बुरा लगेगा तो माइनॉरिटीज़ के साथ जुल्म का कहीं पे कोई जो है वो हमारे मजहब में इजाजत नहीं है तो इन लोगों को आइडेंटिफाई करें और इनको नफरत की निगाह से आप देखें जो मुसलमानों को बैड नेम देते हैं अच्छा जनाब पाकिस्तान के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने वो या कह रहे हैं कि जी हम एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं फेबररी सेवन को उसके अंदर इन्होंने इमरान खान साहब को बुलाया है और इसकी जो सारी डिटेल्स हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मरियम औरंगजेब ने आज दी उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने इमरान खान साहब को कहा है कि ये जो मुल्क के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है ये जो भी पोलिटिकल पार्टीज हैं हम चाहते हैं कि वो सब हमारे साथ मिलकर बैठे और इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करें फेडरल मिनिस्टर एयाज साहब जो हैं उन्होंने अब पी के ऑफिशल्स को इंक्लूडिंग इमरान खान साहब असद कैसर परवेज खटक इन सबको जो है वो कॉन्टेक्ट शुरू किया है वो चाहते हैं कि ये पीडीएम की गवर्नमेंट के साथ मिलकर बैठे और नेशनल इशूज के ऊपर बात करें इसके अलावा को प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम भी पार्लियामेंट के अंदर अपना जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की कोशिश करेंगे ये जो चैलेंजेस हैं इनको जो है इनका सामना करने के लिए तो उसके लिए जो है अब इन्होंने इमरान खान साहब को दावत दिया कि आओ हमारे साथ बैठो और बायकॉट ना करो जिस तरह तक आपने पहले सेशन को बॉयकॉट किया था पाकिस्तान uh, के अंदर जो लोकल ऑयल इंडस्ट्री है वो बड़ी तंग है और वो कह रही है जी हम अपनी इंडस्ट्री अब बंद कर देंगे क्योंकि जो ये अभी लेटेस्ट जो मैसिव रूपी के अंदर जो डीवैल्यूएशन आई है तो उसकी वजह से वो कह रहे हैं जी ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो बहुत बढ़ गई है और हमें बिलियंस ऑफ रुपीज है उसके हमें लॉसेज हैं आपको बताइए है कि आई के साथ अभी डील चल रही थी गवर्नमेंट की जिसमें कि उन्होंने कहा है कि डॉलर का कैप जो है उसको रिमूव किया जाए जिसकी वजह से रुपी जो है वो हिस्टोरिक लो ऑफ 276.58 सेवेंटी सिक्स पॉइंट फाइव एट एंड इंटर मार्केट बैंकिंग जो इंटर बैंक मार्केटिंग मार्केट के अंदर जो उसका रेट है वो आ गया है तो एक लेटर लिखा है इन्होंने ओगरा को और मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ऑयल एंड गैस को और इसके अंदर जो ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल है उन्होंने कहा है कि चूंकि रुपी बहुत ज्यादा डिवैल्यू कर दिया है तो हमको मैसेज लॉसेज हो रहे हैं जिसकी की वजह से हम अब अपनी सर्विसेज नहीं दे सकेंगे तो आप खुद सोचें कि इंडस्ट्री भी बंद हो जाएगी तो फिर रह की जाएगा जी पीछे exactly. किस तरह चलाओगे किस तरह चीजों को आज जो KPK, जो के के थे वो सारे सड़कों चल रही है, इसको बंद करने की जरूरत है अभी आपको पता ही है कि जनवरी डेडलीस्ट मंथ रहा है 2018, 134 लोगों ने अपनी जान गवाई है टेररिज्म केसेस में और ये ना सिर्फ जो है ये केपी के अंदर है बल्कि पंजाब और बलूचिस्तान के अंदर भी है इसमें लोग जो हैं ज्यादातर जो बाहर आए थे वो रैली उन्होंने शुरू की थी कनो, कनो, कोरारा के एरिया से और, और उन्होंने फिर आगे वो चल के जाते रहे और यहां पर बहुत सारे लीडर्स थे पीटीआई पीपीपी ए एन पी सबके लीडर्स थे और वो भी बात कर रहे थे कि सिटीजन को प्रोटेक्शन देना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है लेकिन लगता ऐसे है कि वो अपनी इस जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं क्योंकि उनको कुछ इंटरेस्ट नहीं है और और पॉलिटिकल गेम्स जो हैं बस उसके अंदर जो हैं ये लगे हुए हैं पीपीपी uh, के जो फॉर्मर लीडर हैं मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब आज उनका एक इंटरव्यू चल रहा था और री uh, इमेजनिंग uh, पाकिस्तान जो फोरम उन्होंने बनाया है उसके ऊपर तो मुस्तफ़ा खोकर साहब से आज पूछा जा रहा था कि आप जो हैं क्या इसको आगे ले जा कर पाकिस्तान को एक पोलिटिकल पार्टी बनाएंगे उसके ऊपर इन्होंने खोकर साहब ने कहा कि नहीं हम इसको पार्टी तो नहीं बनाना चाहते हैं हम सिर्फ लाइक माइंडेड लोगों को जमा कर रहे हैं और हम इसके ऊपर बात करना चाहते हैं जो भी कुछ ये यहाँ पे हो रहा है जो भी मुल्क के अंदर क्राइसिस है यहाँ पे

Oh, oh. हाँ जी तो इसके ऊपर जो है जनता बड़ी भड़क गई एक ने कहा कि आप कह सकते हैं कि टॉम क्रूज हॉलीवुड का शाहरुख खान है दूसरे ने कहा शाहरुख खान शाहरुख खान है वो एक इमोशन है उसके साथ आप किसी को मिला नहीं सकते तीसरे ने कहा जी कि शाहरुख खान जैसा ना हॉलीवुड में ना कहीं पे और है नहीं तो आपकी ये जो मिसाल है ये बिल्कुल गलत है और आपकी ये जो हेडलाइन है आपके जो आर्टिकल इन्होंने असल में अपना एक वो जो वेबसाइट है द रैप उसके ऊपर इन्होंने लिखा था तो उन्होंने कहा जी आपका ये हेडलाइन जो है आपको चेंज करना पड़ेगा आपका ये हेडलाइन जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है एक ने कहा जी आपने आज तक तो कभी कोई बॉलीवुड फिल्म देखी नहीं है तो आपको पता क्या है कि उसका स्टेचर क्या है शाहरुख खान का तो आप जो है आपको समझना चाहिए कि उसके स्टेचर का बॉलीवुड में भी कोई नहीं है तो इस तरह आप इस तरह की ये जो बातें हैं ये मत किया करो है ये बड़ी आपकी मिस्टेक है ऐसे और और जनाब हमारे सलू भाई जो हैं उनको पूजा हेगड़े जिनके साथ अब उनकी नई फिल्म आने वाली है उसके भाई की शादी में देखेंगे और वहाँ पे ये बड़े खुशी खुशी खड़े हुए थे तो अब वहाँ पे बड़े वो नाच गाने और वो खुशियाँ चल रही थी और सलू भाई भी अपनी वो जो है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्माइल उसमें खड़े थे तो अब ये बहुत सारे रूमर्स चलना शुरू हो गए हैं कि क्या ये पूजा हेगड़े को डेट कर रहे हैं क्या आजकल वो इनकी ग्रिल फ्रेंड hmm. है क्या उनके साथ ये शादी कर सकते हैं चक्कर क्या है सलू भाई उसके भाई ऋषभ की शादी पर क्यों पहुँचे हुए हैं भाई ये मैंगलोर में ये क्या चक्कर है और वो भी मैंगलोर में ये भी नहीं कि कोई मुंबई या दिल्ली में मैंगलोर में और क्या किया तो ये आजकल बड़ी बातें हैं। अच्छा जनाब अरबाज खान साहब जो हैं, वो अब एक नया शो शुरू कर रहे हैं द इनविंसिबल्स और उसके अंदर जो है पहला ही क्वेश्चन उन्होंने पहला ही जो इंटरव्यू है उन्होंने अपने वालिद साहब सलीम खान से लिया तो सलीम खान से इन्होंने उनके लाइफ पर्सनल लाइफ बच्चे उनके काम के उनकी फ़िल्मों के बारे में बात की और फिर उसके बारे में फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका जो एक बच्चा है यानी कि सलू भाई जो हैं वो बड़े कामयाब हैं बहुत बड़े स्टार हैं बड़े सक्सेसफुल हैं तो आपको क्या डिसअपॉइंटमेंट होती है कि मैं और सुहेल जो हैं शायद इतने बड़े स्टार्स नहीं हैं तो सलीम खान साहब ने कहा कि नहीं मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हूँ और मुझे ये देखता हूँ मैं कि मेरे बच्चे एटलीस्ट जो है टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं बस टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए तो फिर उन्होंने पूछा जी आ, अब जान आप क्या क्या कहते हैं हमें क्या सबक देते हैं सीख देते हैं कि हमने अपनी फेलियर को कैसे हैंडल करना है तो उन्होंने कहा जी एक बड़े मशहूर हॉलीवुड के डायरेक्टर ने कभी कहा था कि सक्सेस जो होती है उसने बहुत सारे लोगों को बर्बाद किया है फेलियर ने लोगों को इतना बर्बाद नहीं किया तो मेरा सबक है कि आप हम्बल रहें हमेशा अपने ऑरिजन्स जो है उनको याद रखें और ये भी याद रखें कि आपने किस जगह पे ना बोलना है ना बोलना आप सीखें hmm. तो <coughs> ये जनाब लोग बड़ा इनका इंटरव्यू जो है ये पसंद कर रहे हैं और जनाब आज बॉलीवुड की जिनको कि कभी बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत हीरोइन का टाइटल मिला था वहीदा रहमान साहिबा शी टर्न्स 85 टुडे और इन्होंने जो है बहुत सारी हिंदी तेलुगु तमिल बंगाली फिल्मों में काम किया है शी वाज बोर्न ऑन फेबर थर्ड 1938 ये उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर की बेटी थी और फिल्मों में फिफ्टी सिक्सटीज़ और सेवेंटीज़ में बड़ा इन्होंने राज किया और इनको एक सेंट्री अवार्ड फॉर फिल्म पर्सनैलिटी फ़िल्मेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स और बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड्स और बहुत कुछ अवार्ड्स जो हैं इनको मिले थे तो आज इंडस्ट्री ने इनको uh, बहुत सारी वधायाँ दी हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के फॉरवर्ड मेसन ग्रीनवुड 21 इयर्स टोटल इनकी एज है जी और इनके ऊपर बड़े जो है सेक्सुअल के जो है वो केसेस आ गए थे लेकिन इनको इन केसेस से जो है अब मुक्ति मिल गई है अब ये कोई फेस नहीं कर रहे हैं मेसन ग्रीनवुड जो है अब ये फेस नहीं कर रहे ये सारे क्योंकि क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस कहा कि हम इनके खिलाफ चार्जेस जो है वो डिसकंटिन्यू कर रहे हैं इनके ऊपर चार्जेस जो थे अक्टूबर में लगाए गए थे और एक इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई थी लेकिन जितने की विटनेसेस थे उन्होंने विद्रॉ कर लिया था तो उसकी नजर में आज कोर्ट ने कहा कि जो नई एविडेंस हमारे सामने आई है उस पर हम कह सकते हैं कि इनके ऊपर कोई अब कन्विक्शन नहीं डाली जा सकती है इनको जब अरेस्ट किया गया था तो वीडियोज आई थी जिसमें के दिखाया गया था कि ये जो हैं <clears throat> Uh, कुछ इनके ऊपर ऐसे लोग एलिगेशंस डाल रहे हैं बहरहाल इनका जो क्लब है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उसने अभी तक कुछ नहीं कहा कि इनको वापस लेंगे या नहीं लेकिन बहरहाल एटलीस्ट ये जो है 21 साल का बड़ा टैलेंटेड बच्चा था इसके ऊपर से केसेस uh, चले गए लेकिन जाहिर है ही विल फेस द म्यूजिक और जनाब ऑस्ट्रेलियन जो टेनिस स्टार हैं निक क्रिगियोस उनके ऊपर भी जनाब आज जो थे असोल्ट के जो थे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के ऊपर केस था लेकिन ये भी वापस ले लिया गया है क्योंकि जो मैजिस्ट्रेट थी

तो इसके अंदर इनके लॉयर्स ने भी कहा कि आप इसको मेंटल जो डिस्टरबेंस के ऊपर आप इसको करें ख़त्म करें केस को और इसको एज एन आइसोलेटेड इंसिडेंट लें अदरवाइज जो है ये अच्छा लड़का है तो आज ये केसेस जो हैं इनके खिलाफ भी ख़त्म किए गए हैं और जनाब हमारी कनेडा की जो बियंका एंड्र्यूस्कू हैं जो हैं जो वैसे हमारी यहाँ पे मिसेस सागा की रहने वाली हैं शी हैज़ एडवांस टू द सेमी फाइनल्स ऑफ थाईलैंड ओपन टेनिस टूर्नामेंट क्योंकि इन्होंने जो है डिफीट किया है यूक्रेन की माटा कॉज कॉस्टी से और जो है ये अब टूर्नामेंट में अब इनको टॉप सीड माना जा रहा है तो अब जी ये चली गई है, है अच्छा मिसेस सागा से नहीं है नहीं अच्छा अच्छा ओके ओके ठीक है तो ये जनाब ऐसे है तो नेटिव ऑफ मिसेस सागा होगी रहती होएगी अब रिचमेंट हिल में अब और जनाब पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट नेशनल ब्लाइंड फुटबॉल एंड जूडो चैंपियनशिप जो है वो अब इस साल में ऑर्गेनाइज की जा रही है यहाँ पे जो बिनाए वेलफेयर uh, एसोसिएशन है उसने कहा है कि पाकिस्तान ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन के साथ मिल के फेबररी टेंथ से ट्वेल्थ तक ये नया नाजबन बाद में आ, हम ये कर रहे हैं यहाँ पे इसके जो प्रेसिडेंट हैं सलमान इलाही उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कराची प्रेस क्लब में और उन्होंने कहा जी कि पिछले छः साल से हम इसकी प्लानिंग कर रहे थे पाकिस्तान जो है इन दो मुकाबलों में इंटरनेशनली अपने आप को नहीं रिप्रजेंट कर सकता है तो अब ये हम सारे मैचज यहाँ पर इंक्लूड करेंगे जिसमें कि अंदर से टीम्स आएंगी इन दोनों के लिए चारों सूबों से भी और गिल्कत बस्तिस्तान और कश्मीर से भी और फिर उसके बाद जो है पाकिस्तान की ये इतनी अच्छी हम कर देंगे आ, ट्रेनिंग के ये जो हो रही है गेम्स यूके के अंदर आ, वर्ल्ड गेम्स अगस्त के अंदर उसमें पाकिस्तान इन दोनों मैचेस के अंदर ब्लाइंड फुटबॉल और जूडो चैंपियनशिप में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकेगा एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज एंड दैट इज़ अ वेरी 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 क्रिटिकल न्यूज आपको पता ही है कि पाकिस्तान जो है वो चाहता है कि उसके अंदर अब एशिया कप जो है वो हुए लेकिन आपको हमने बताया था कुछ अर्सा पहले कि बी के जो जय शो साहब हैं सेक्रेटरी जनरल वो बिल्कुल बीसीसीआई के सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो बोर्ड के जय शाह साहब वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि जो हिंदुस्तान की टीम है वो पाकिस्तान जाए क्योंकि उन्होंने कहा जी कि बीसीसीआई को गवर्नमेंट की तरफ से कोई गो हेड नहीं मिला है तो अब जो एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग है वो बहरेन में हो रही है जहाँ पे कि पी के चेयरमैन नजम सेडी साहब भी जाएंगे क्योंकि ये मीटिंग उन्होंने ही बुलाई है वैसे और जय शाह साहब भी वहाँ पर जा रहे हैं और उन्होंने पहले भी हिंदुस्तान ने कहा था कि हम एक न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे जैसे कि यू ए श्रीलंका जो है दूसरी ऑप्शन हो सकती है और पाकिस्तान कहता है कि नहीं ये जो सेप्टेम्बर में मैचेस आ रहे हैं इसमें ये पाकिस्तान के अंदर ही होने चाहिए तो हिंदुस्तान कह रहे हैं हम नहीं खेलेंगे तो अब बी ने कहा था कि हम अब इसके ऊपर बात करेंगे और डिसाइड करेंगे बहरहाल वो कह तो कहते हैं तो जा रहे है ना। हाँ <laughs> बहरहाल जी उन्होंने कह दिया था पहले कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे क्योंकि हमको तो गवर्नमेंट क्या इजाजत नहीं है तो बहरहाल जी अब ये बहरेन गए हैं दोनों तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या बात मिल देखेंगे के, के बात कर, लें। हाँ, बात कर लेंगे देखेंगे अब मिस्टर नजम सेठी अंदर कितना सा है उनको करेंगे yes. मैं, मैं जाएंगे। इंडिया जाएंगे की टीम पाकिस्तान आएगी अगर मैं हारी तो आप मुझे जलेबियाँ खिलाएंगे और अगर आप जीते आप मुझे जलेबियाँ खिलाएंगे डील ठीक है भाई मैं तो बहुत सारी जिले में आ रहा था मगर आपकी इस कमेंट के बाद मैं सोचूंगा आप। <laughs> मैं भाई जैसे जैसे पास पैसा होता जा रहा है ना बहुत कंजूस होते जा रहे हैं मैं देख रहा दिस। मैं।, मैं, मैं, मैं भी महसूस कर, कर, कर रहे हैं ना मैं भी मैं आपके घर में डाका मारना पड़ेगा गाड़ियां तो आपकी चोरी होती रहती है अब कोई पहे भी चोरी करने पड़ेंगे बहुत पैसे आगे मैं भी बड़ा हशियार हूँ छुपा के रखा है छुपा के रखे हैं? हाँ जी चलो कोई नहीं वो जो आपके घर में मिठी है ना मिठी से हम पूछेंगे ज्यादा तो का पैसे का है? <laughs> दादा कहाँ रखते हैं पैसे <laughs> उसको सारा पता हैगा दादा के पैसे अच्छा, उसको पूरा वो उसको पूरा हर चीज हाँ, का दादा की सारी चीजें पता है उसके हैं पास घर की चाबी है हाँ चाबी है ना तो वो हमें बताएगा ये हाँ। लो जी दादा के पैसे लेके जाओ हाँ जी हाँ जी हाँ जी सिर्फ मेरे दादा को मेरे पास छोड़ के ले जाओ जी ले जाओ ले जाओ ले जाओ ये दिया खबरें बकिया की खबरें इन शाह कल फिर हम